स्वागत है आपका एक नए सीरीज में। इस सीरीज में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इटली के साउथ टिरोल के खूबसूरत रीजन डोलोमाइट्स को। लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द डोलोमाइट। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डोलोमाइट्स के वेस्टर्न रीजन को, जिसमें सचेडा के ड्रामेटिक रिजेस एंड अल्पे दी सुशी का खूबसूरत लैंडस्केप शामिल है। लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। हम स्टार्ट कर रहे हैं ओटेजे विलेज से। इस विलेज से आप लोगों को केबल कार मिलेगा। ये केबल कार लेके आप जा सकते हैं सचेडा का जो व्यू पॉइंट है उस पॉइंट पे। तो चलते हैं, अभी केबल कार लेते हैं। सचेडा चलने से पहले डोलोमाइट्स में स्टे के बारे में बात करते हैं। डोलोमाइट्स रीजन जो कि ईस्ट एंड वेस्ट रीजन में डिवाइडेड है, रीजन को एक्सप्लोर करते हुए बेस्ट एरिया जो है आपको रहने के लिए वो है वाल गार्डेना। हमने स्टे लिया था मॉयरहॉफ जो सरेंटिनो में है। मॉयरहॉफ जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ से जो सचेडा है 1 घंटा 20 मिनट की दूरी पे, और सेम टाइम लगता है अल्पे दी सुशी को जाने के लिए। हमारे पास कार है इसलिए हमारे लिए बेस्ट स्पॉट था ये रहने के लिए। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप वाल गार्डेना का जो रीजन है उस रीजन में आप देख सकते हैं स्टे, या फिर आप बोलजानो में देख सकते हैं जहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा इन प्लेसेस पे जाने के लिए। अगर आप केबल कार नहीं लेना चाहते, हाइक करना चाहते हैं, 4.5 से 5 घंटे का हाइक है उस माउंटेन रेंज तक जाने के लिए। अभी हमने केबल कार का टिकट लिया है जो कि 45 यूरो का टिकट है। तो 45 यूरो में आपको रिटर्न टिकट मिलेगा जो कि आपको डायरेक्ट सचेडा जो स्पॉट है वहाँ पे लेके जाएगा। तो आपको हाइक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधा आप स्पॉट पे जाके जो खूबसूरत व्यू है वो देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हाइक करना है तो आप 1720 मीटर की ऊंचाई पे जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 33 यूरो का रिटर्न टिकट है। बट वहाँ से आपको हाइक करने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगेंगे सचेडा पॉइंट पर जाने के लिए। तो अगर आप हाइक करना चाहते हो तो हाइक करिए, अदरवाइज़ हमारी तरह सीधा केबल कार लेके सचेडा के स्पॉट पर जाइए। तो चलते हैं अभी। अभी हम फुरने स्टॉप पे 10 मिनट के बाद हम यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से अभी हम सीधा जाएंगे ऊपर। आप देख सकते हैं पीछे, इसके लिए हमको दूसरी केबल कार लेनी है। सेम टिकट जो 45 यूरो का लिया था वो सेम टिकट आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, और जाएंगे सचेडा के स्टॉप पे। चलते फाइनली हम पहुंच चुके हैं सचेडा जो स्पॉट है उस स्पॉट पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सचेडा का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं। ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, सिर्फ सचेडे का ही नहीं उसके आजू बाजू के जो माउंटेन रेंज है इनका भी खूबसूरत व्यू है। स्पॉट पे आने के लिए 15 मिनट्स का केबल कार का राइड था। 15 मिनट्स में आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और अभी यहाँ से आप वहाँ पे थोड़ा सा हाइक करेंगे। 15 टू 20 मिनट्स का हाइक है, वहाँ से और भी खूबसूरत व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आना 45 यूरोस में वर्थ है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो चलते हैं अभी, देखते हैं वहाँ से व्यू। अभी हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पे। 10 मिनट का जो हाइक था उसके बाद, एक्चुअली वो हाइक नहीं है, नॉर्मल वॉक है 10 मिनट्स का। खूबसूरत ट्रेल था वो, आजू बाजू आप लोग खूबसूरत फ्लावर्स देख सकते हैं, और फ्लावर्स के साथ साथ जो सचेडा है उसका व्यू भी देख सकते थे आते समय। और इस पॉइंट से आप फ़ोटो ले सकते हैं, खूबसूरत फ़ोटो आता है, इंस्टाग्राम फोटो स्पॉट है ये। तो यहाँ पे आप ज़रूर फ़ोटो लीजिए। ये जो सचेडा है ये 200 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। एक्चुअली ये जो है ये वाटर पैराडाइज कहा जाता है इसको, बट अभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव होने के कारण ही ये अभी खूबसूरत माउंटेन बन चुका है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत व्यू को। आप तब तक ड्रोन शॉट देखिए, हम इस व्यू को एंजॉय करते हैं।
अभी हम जा रहे हैं हुटे में, यहाँ पे लंच करेंगे हम। आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे हुटे मिलेंगे जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं और लंच करते करते ये खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी हुटे में और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। अभी हम आए सोफी हुटे में, यहाँ पे आप लंच कर सकते हैं खूबसूरत व्यू के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सकेड़ा है और इस तरफ बाकी जो माउंटेन रेंज है, ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है फूड यहाँ पे। अगर आप पैक करके लाएंगे फूड तो अच्छा रहेगा, या फिर आप यहाँ से केबल कार से नीचे जाके जो विलेज है नीचे उस विलेज में अगर आप खाएंगे तो आपको चीपर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। पास्ता जो है यहाँ पे मिनिमम जो है वो 22 यूरो का है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे खाना है या नीचे जाके खाना है। प्लीज़ हम यहाँ की स्पेशलिटी खा रहे हैं जो कि है डम्पलिंग्स, डम्पलिंग्स नूडल्स जो स्वीटी रोल से ही निकला था और जो स्वीटी रोल की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, जिसमें तीन तरह के नूडल होते हैं, एक स्पिनच से बना हुआ, एक बीट रूट से बना हुआ और एक इनका ट्रेडिशनल नूडल है वो। तो मुझे लगता है प्राइस जस्टिफाइड है, आप इतने अच्छे व्यू के साथ बैठ के खा रहे हो। नो डाउट व्यू अच्छा है लेकिन खाना वर्थ नहीं है जो प्राइस है। वर्थ ही नहीं है। थैंक यू। तो आप एंजॉय करो व्यू, खाने का क्या नीचे जाके भी खा सकते हैं या पैक करके ला। 3 घंटे बिताने के बाद अभी हम जा रहे हैं एक नए स्पॉट पे, यहाँ से अभी हम वापस केबल कार लेके नीचे जाएंगे। अगला जो स्पॉट है हमारा वो है अल्पेदिसुसी पे जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को खूबसूरत सनसेट देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं और उस सनसेट का एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी हम पहुँचे अल्पेदिसुसी, ये एक मेडो एरिया है। यहाँ पे आने के लिए आप ऑस्टर है जो विलेज था वहाँ से आप ड्राइव कर सकते हैं, 30 मिनट्स का ड्राइव है, या तो आप उस विलेज से आप डायरेक्टली केबल कार लेके यहाँ पे आ सकते हैं। केबल कार अगर अवॉइड करना है तो आप ड्राइव करिए, 30 मिनट्स का ड्राइव है, सीधा आप इस स्पॉट पर पहुँचेंगे। अल्पेदिसुसी से आप लोग हाइक कर सकते हैं, जो हुटे है सैसल आर्म जो है उस हुटे की तरफ आप हाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर का हाइकिंग है ये, वहाँ पे जाके खूबसूरत खूबसूरत आप लोगों को सनसेट देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं वहाँ पे हाइक करते हैं और आप लोगों को सनसेट दिखाते हैं। 30 to 40 मिनट्स के बाद आप पहुँच जाएंगे सैलसराम, जिसको अल्पेदिसुसी भी बोला जाता है। ये इंस्टाग्राम स्पॉट है, यहाँ पे आप खूबसूरत फोटोज ले सकते हैं। चलो साथ में इस प्लेस पे सनसेट को एंजॉय करते हैं। आज का हमारा पहला दिन खत्म होता है यहीं पे। मिलते हैं आपको कल एक नए प्लेस पे, तब तक के लिए अलविदा।